नंबरदार एसोसिएशन की एक मीटिंग तहसील कालका में हुई, जिसमें नंबरदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग की अध्यक्षता नंबरदार एसोसिएशन के प्रधान रघुपीर सिंह सोडी ने की। यहां पर पगारनी नंबरदार अक्षर कुमार, ताराचंद, हरनाम सिंह, मनमोहन सिंह, राजेंद्र सिंह, यादराम, कृष्ण कुमार, पुष्पेंद्र कुमार सहित अन्यों ने भाग लिया। मीटिंग में कहा गया कि नंबरदारों को मिलने वाले मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाए हैं, साथ ही आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिल पाया है। आज कालका तहसील के प्रांगण में नंबरदार एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, जिसमें ये पास किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार में अक्टूबर महीने में जो घोषणा की थी, जैसे कि नंबरदारों को मोबाइल फ़ोन देना, आयुष्मान कार्ड का लाभ देना, सरकारी अधिकारियों के साथ हर 3 महीने में मीटिंग बुलाना, यह घोषणाएँ अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। नंबरदार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने मांग उठाई कि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में आयोजित नंबरदार महासम्मेलन में घोषणा की थी कि सभी नंबरदारों को एक एक मोबाइल देने के साथ आयुष्मान कार्ड का लाभ देने और हर 3 महीने के बाद सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग करने को कहा था, जिस पर अभी तक नंबरदारों को ना मोबाइल मिला है, ना आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल पाया है और ना ही किसी अधिकारी के साथ कोई मीटिंग हो पाई है। हम आज की मीटिंग की कार्रवाई की एक कॉपी माननीय विधायक जी को भी देंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा कराएं। इसके अलावा हम विधायक जी से ये भी निवेदन करेंगे कि हमें तहसील के में एक कमरा उपलब्ध कराएं, ताकि हम नंबरदार वहां पर बैठकर अपनी रोज़मर्रा के काम पूरे कर सकें। नंबरदार एसोसिएशन पिंजौर प्रधान रघुवीर सिंह सोडी ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सभी नंबरदारों को इस योजना का जल्द लाभ दिया जाए, जो अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबरदार एसोसिएशन प्रधान रघुवीर सिंह सोडी ने विधायक कालका लतिका शर्मा से मांग की है कि तहसील कालका में एक कमरा नंबरदारों को दिया जाए, ताकि वो मीटिंग कर सके। नंबरदार अक्षर कुमार ने सभी को घर के आसपास पौधा लगाने की भी अपील की।